कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये कौन से जगह पे क्या बोला जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मैंने इसका छिलके निकाल दिया है। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाना था इस पर, लेकिन मैं जब आधा कट कर दिया मैंने सब्जी, तब मैंने मुझे ध्यान आया कि मुझे इस पर वीडियो बनाना था। ये यूपी में इसको चिरचिरा ना, हाँ ऐसे मतलब सब्जी इसको बोलते हैं। बहुत लंबी लंबी होती है। इसको तो अभी मैंने आधा कर दिया है। कल मार्केट लगा हुआ था तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। वैसे मैं नहीं खाती, मतलब कि मुझे नहीं पसंद है, बट लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत पसंद है। अगर आपने ये खाया होगा तो बहुत पसंद होगा। इसका मैं भुजिया बनाने वाली हूँ। तो देखो मैंने कितना सारा कट किया, फटा 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 फटक। तो इतने सारे मैंने कट फटफट कर दिया ना बगू। तो मैं दिखाऊंगी कि ये सब्जी कैसे मैं बनाती हूँ, इसकी भुजिया। मैं नॉर्मली जस्ट, मेरे हस्बैंड को सिंपल पसंद है तो मैं ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करती हूँ। सिर्फ भुजिए के जैसा प्याज मिर्च डाल के मैं भूज देती हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग क्या बोलते हैं इस सब्जी को, और आप लोग ने टेस्ट किया है या नहीं। मेरे भाई को भी ये सब्जी बहुत पसंद है। मेरे भाई को भी अच्छा लगता है सब्जी, और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो इनके लिए तो रात का डिनर ये बन रहा है, पराठा के साथ वो खाएंगे मेरे हस्बैंड। और मैं देखती हूँ मैं अपने लिए क्या बनाती हूँ फिर। तो हम मिलते कुछ टाइम बाद। चलो दिखाओ 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 इसको फटाफट, मैं वॉश कर लेती हूँ। देखो बुबू इधर, बुबू क्या कर रहा है? जन्माष्टमी है और मैंने सोचा है बुग्गू को कृष्ण जी बनाया जाए, बट देखते हैं बारिश अगर नहीं हुई तो हम उसके लिए बाबू का हर एक चीज कपड़ा वगैरह जो भी रहता है वो लेंगे। देखते हैं ले पाते हैं कि नहीं, और उसको कृष्ण भगवान बना पाती हूँ कि नहीं। इसे कैसे दिखेगा, क्यूट दिखेगा ना मेरा बाबू कान्हा जी के रूप में। तो आधे प्याज काफी है, मैं थोड़ा रख देती हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी। फ्रीज 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 से मैं एक मिर्ची निकालती हूँ क्योंकि मिर्ची बहुत तीखी है। फिर से एक बार पानी से वॉश कर लेती हूँ। मिर्ची को इस टाइप का कट करती हूँ हमेशा, क्योंकि ज़्यादा पूरा बीज आते हैं तीखी, ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है। मुझे प्याज बहुत पसंद है, मुझे लव प्याज, मुझे प्याज सब्जी में जितना डालो मुझे पसंद है। वेट करो और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा राई, राई मतलब सरसों का दाना, सरसों सीड्स, राई सीड्स, ठीक है जो भी बोलो। मैंने हल्दी एंड रेड मिर्च लिया है, रेड मिर्च पाउडर, थोड़ा उसको चटकने दो। और मैंने आपको पहले बनाया, मैं जस्ट एक भुजिया बना रही हूँ, सिंपल है। इसमें मैं कोई भी मसाला एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ऑयल थोड़ा गर्म नहीं हुआ था मैंने। देखो 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 बाबू, नहीं ना बच्चा। तो इसके साथ तब तक, जब तक ऑयल हो रहे हैं तब तक मैं कचरा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटू है ना वो बहुत बदमाश है और वो पूरा देखो देखो हल्दी ले रहा है बच्चे। नहीं ना ये बुक्कू बहुत अच्छा, पता है ऐसे वो खेलते रहता है। और मैं जैसे ही खाना बनाने का सोचती हूँ वैसे मेरा बाबू, दिखाओ बुक्कू। नहीं
वैसे मेरा बाबू जो है तंग करता है, तो इधर की सफाई भी हो गया और इधर मेरे ऑयल भी गर्म हो गए है ना। और ये चटकना स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैंने मैं पता है खाने का रेसिपी का सोचती हूँ वीडियो बनाने, लेकिन क्या है ना वीडियो बनाने के चक्कर में मैं बाबू हट जा बच्चा, चलो हट जा यहाँ से, जब मैं खाना बनाती हूँ बोलती हूँ उधर जाती रहो। और मैंने प्याज है मिर्चा मिर्च डाल दिया है, और ये जब तक पूरे ब्राउन हो जाएंगे तो ये मैं ऐड करूंगी इसमें। पानी से धोया ऐसा मैं सोचना कैसे उठा के डाल दिया तो वीडियो में क्या दिख रहा है क्या दिख नहीं रहा है वो मुझे नहीं मालूम। मैंने दोपहर में कटहल की सब्जी बनाई थी जो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, वो हमें भी पसंद है। दाल चावल एंड कटहल का सब्जी बनाया था मैंने ड्राई, और अभी मैं ये बना रही हूँ इसके साथ पराठा बनाऊंगी। सर रोक दू, देख सकते हैं मैंने भाजी को डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ी आधी चम्मच, इसमें तो चम्मच ही नहीं है तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। मैं एक होता है ना नाप तोल के डालना, तो वो मेरे से नहीं होता, मेरा वो अंदाज़ा नहीं कितना डालना है। मैं चाय भी बनाती हूँ तो मेरा ये नहीं कि चम्मच से मैं उसको ये करूँ। ये नमक हल्दी नमक एंड रेड मिर्च पाउडर मैंने डाला है। अब ये आराम से धीरे धीरे गैस एकदम स्लो करके इसमें पानी अभी आएगा, ठीक है, तो पानी के इसी से वो ऑटोमेटिक ये बनने लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे मैं इसको एकदम गैस स्लो, ठीक है, गैस स्लो एकदम स्लो मीडियम में मुझे इसे बनाना है। तो मैं अब डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है बनने के बाद। अब इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाली, बस टाइम टाइम पे मुझे देखना है कि जलिए ना, ठीक है, तो वो आप खुद से अनुमान लगा सकते हो। एकदम स्लो अगर रहेगा तो कितने टाइम से आपको देखना है कितने टाइम पे नहीं, तो वो मैं आपको बाद में डायरेक्ट बनाने के बाद बताती हूँ। स्टॉप, रेडी हो गया है क्योंकि इसके सामने देखो आप तेल से ऑयल पूरा आ रहा है ना, तो ये समझ लो भुजिया रेडी हो गया। देख लो स्प्रिंग के जैसा आपको दिखेगा। आई होप आप लोगों को ये भाजी अच्छी लगेगी, बना के देखना, जिन्होंने नहीं खाया उनको अच्छा लगेगा। और ये पराठे के साथ गरम गरम पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। आई होप आप लोगों को ये भाजी मेरी अच्छी लगी होगी। अब बुग्गू रो रहा है तो मैं बुग्गू को जा रही हूँ बुलाने के लिए। कैलॉग्स खाएगा, कैलॉग्स कैलॉग्स खाएगा, ये बुग्गू का कैलॉग्स है। आप भी देंगे बेटा, आप भी देंगे, तो बाय बाय।